वैलेंटाइंस डे पर अगर आप भी चाहते हैं कुछ स्पेशल डेजर्ट बनाना, तो आज हम आपके लिए लाए हैं वाइट चॉकलेट मूस, जिसे हमने वाइट चॉकलेट से बनाया है और वैलेंटाइन थीम के अकॉर्डिंग इसे हमने पिंक शेड दिया है। अगर आप चाहें तो इसे डार्क चॉकलेट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये डेजर्ट बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही आपको टेस्टी लगने वाला है। तो इस वैलेंटाइन ये डेजर्ट जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा ये डेजर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो वाइट चॉकलेट मूस बनाने के लिए हमने वाइट चॉकलेट ली है जो कि 150 ग्राम है, और इसे हमने डबल बॉयलर पर कंटिन्यूस स्टर करते हुए इसे मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। अच्छे से जब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर। इसे आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसा आपको कलर चाहिए। हमने यहाँ पर 1/2 से 3/4 टीस्पून तक इसमें कलर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये वाइट चॉकलेट के साथ मिलकर पिंक शेड देगा। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम डाली है। अमूल फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा पिंक चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। पिंक चॉकलेट गनाश रेडी होने के बाद इसमें हम अब व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। जो क्रीम हम केक पर यूज़ करते हैं ना, वही वाली व्हिप्ड क्रीम हमें इसमें यूज़ करनी है। इसे हमने लगभग 1 कप के लगभग इसे यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे हमारी रेसिपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसे हमें बहुत हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। हल्के हाथों से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि जो हमारी व्हिप्ड क्रीम होती है बहुत ही फ्लफ़ी होती है और उसके अंदर बहुत सारी एयर होती है। जब हम इसे व्हिप्ड करते हैं ना तो इसमें बहुत सारी एयर आ जाती है, तभी ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होती है। तो अगर हम इसे फटाफट मिक्स करेंगे तो ये जो फ्लफ़ीनेस है वो उसकी चली जाएगी। तो हम इसे बहुत होले होले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखिए बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आ चुका है। इसे अब हम एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप नॉर्मल किसी भी पॉली बैग में या फिर दूध की थैली में से फिल करके अच्छे से कोन जैसा बना सकते हैं, और अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने अच्छे से इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इसको अच्छे से ऊपर से हम पैक कर लेंगे। इसके बाद हमने टी कप यूज़ किए हैं, जो डिस्पोजल वाले टी कप्स आते हैं उनमें हमने आप देख सकते हैं कि एक साइड में कैंची से कट लगा दिया है और उसे फिर हमने टेप से सिक्योर कर लिया है। आप टेप नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेप लगाने से थोड़ा सा ये जो कप है जब हम इसमें अब मूस फिल करेंगे तो वो फैलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने टेप से सारे जो कप्स हैं उनको सिक्योर कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें मूस फिल करेंगे। ये देखिए पाइपिंग बैग से इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें फिल करेंगे। 1/4 कप जब फिल हो जाए उसके बाद हम लेंगे चॉकलेट ओरियो बिस्किट और उसका एक पीस इसमें रखेंगे मिड में, और इसके बाद इसको ऊपर से फिर से हम चॉकलेट मूस से कवर कर देंगे। लगभग 3/4 हम जब इसे फिल कर लेंगे कप को, उसके बाद इसमें हम फिर से ऊपर से एक और चॉकलेट ओरियो का सेकंड वाला पीस लगा देंगे और इसे अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे कप्स रेडी करने हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने सारे कप्स रेडी कर लिए हैं, और जो हमने चॉकलेट यूज़ करी थी 150 ग्राम उसमें हमारे लगभग 4 कप्स रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो छोटे कप्स भी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए चारों कप हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र से सेट होने के बाद आधे घंटे में ये सेट हो जाएंगे। फ्रीज़र से सेट होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। टेप्स हमने इनकी हटा दी है, और उसके बाद ये जो कट हमने लगाया था वह इसीलिए लगाया था कि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो बहुत ही ईजीली हमारा ये मूस जो है डीमोल्ड हो जाए। ये देखिए बहुत ही ईजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही डिलीशियस सा हमारा जो चॉकलेट मूस है वो रेडी हो चुका है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। वाइट चॉकलेट का और व्हिप्ड क्रीम का जो इसमें टेस्ट आता है बहुत ही प्यारा आता है। बहुत ही डिलीशियस सी हमारी ये डेजर्ट बनी है, और इसी तरह से हम सारे जो कप्स हैं उनको डीमोल्ड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा दिख रहा है हमारा मूस। इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हमने ब्लैक ग्रेप्स यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें
तो इसे किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं आप चाहें तो, ओरियो बिस्किट से भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर चॉकलेट चिप्स से कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े कलरफुल स्प्रिंकल्स डाले हैं, बहुत ही प्यारा लुकिंग आया है इसका। और ये देखिए, इसके बाद इसके ऊपर अब हम चॉकलेट सिरप से इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, चॉकलेट सिरप ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर हम, तो इसका जो लुकिंग है वो बहुत ही प्यारा हो जाएगा और चॉकलेट सॉस के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारा वाइट चॉकलेट मूस जो कि हमने पिंक शेड में दिया है, बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।